हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टमक के बारे में, जो क्या होता है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका फंक्शन होता है फूड स्टोरेज के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ द स्टमक। इससे पहले हमें रीजन ऑफ द एब्डोमन आना सबसे ज़रूरी होता है। तो चार प्लेन क्या करती है, उसको नौ रीजन में डिवाइड कर देती है एब्डोमन को। तो प्लेन कौन से हो गए, दो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएंगे, दो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। सेकेंड होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। अब वर्टिकल में कौन से हो जाएंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन से पास होते हैं, राइट लेटरल प्लेन एंड लेफ्ट लेटरल प्लेन। अब कौन कौन से हो जाएंगे, ऊपर है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन हो जाएगा, नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, बीच में अपनी अम्बिलिकस आती है तो उससे याद रखो एम्बिलिकल रीजन हो जाएगा। फिर राइट तरफ कौन सा हो जाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लेफ्ट तरफ कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब बीच में लंबर वर्टिब्रा आती है तो उसी से याद रखो राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। नीचे हिप बोन है, हिप बोन में इलियक फोसा, उसी से कौन सा हो जाएगा, राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा। ये हमने कर लिया रीजन ऑफ द एब्डोमन। अब देखो तो स्टमक की लोकेशन कौन कौन सी आ जाएंगी, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में एंड अम्बिलिकल रीजन में, मतलब थोड़ी बहुत लेफ्ट लंबर रीजन में भी हो सकती है। फिर हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के दो पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरस पार्ट। तो कार्डियक पार्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, फंडस एंड बॉडी एंड पाइलोरस में आता है पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो अब देखो ये अपनी स्टमक की स्ट्रक्चर हो जाती है, ये लेसर कर्वेचर हो जाते हैं, बड़े वाला ग्रेटर कर्वेचर हो जाते हैं, ऊपर कार्डियक नो जाती है, नीचे कौन सा हो जाएगा पाइलोरिक ओरिफिस आते हैं, तो ऊपर फंडस पार्ट, बीच में बॉडी हो जाएगी। फिर एक एंगुलर नोच होता है। एंगुलर नोच क्या होता है कि लेसर कर्वेचर का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, वहाँ पे क्या होती है एंगुलर नोच, वहाँ से एक हम लाइन पास करते हैं जो ज्वाइन करेगी ग्रेटर कर्वेचर को, और यहाँ पे पाइलोरस ओरिफिस होता है। ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा, पाइलोरस में। तो पाइलोरस को दो रीजन में डिवाइड किस किस में होता है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। डिवाइड कौन करता है, सल्कस इंटरमीडिएट्स, जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर क्या हो जाती है, इसमें दो ओरिफिस हो जाते हैं। दो ओरिफिस कौन से हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे दो ओपनिंग हो जाएंगी, एक तो इसोफेगस आती है, दूसरी जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट हो जाएगी कार्डियक ओरिफिस एंड सेकंड पाइलोरिक ओरिफिस। दो ही कर्वेचर होंगे, लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर, और कौन से होते हैं, दो सर्फेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इस डाइग्राम में देखते हैं अपने स्टमक के बारे में। ये पूरा स्टमक हो जाएगा जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ऊपर कार्डियक ओरिफिस, नीचे कौन सा पाइलोरिक ओरिफिस, फंडस बॉडी पाइलोरस, ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्वेचर, ऊपर कौन सा हो जाएगा एंटीरियर, जिसको एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं, पीछे कौन सा हो जाएगा पोस्टीरियर, जिसको पोस्टीरियर इन्फीरियर भी कहते हैं। अब हम करते हैं रिलेशन ऑफ द स्टमक। तो पहला रिलेशन होता है पेरिटोनियल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन मतलब पेरिटोनियम से मतलब कवर होता है। तो जो अपना स्टमक होता है ना, वो कौन सा होता है, एक इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होता है, मतलब दोनों तरफ से पेरिटोनियम से कवर होता है। तो हमने कहा कि अगर लेसर कर्वेचर पे होता है ना, तो लेसर कर्वेचर पे पेरिटोनियम मीट मतलब मिलके क्या बनाएगी, लेसर ओमेंटम। ग्रेटर कर्वेचर पे पेरिटोनियम मिलके क्या बनाएगी, ग्रेटर ओमेंटम। फिर बात करते हैं फंडस। फंडस के पार्ट में क्या होती है कि दोनों लेयर पेरिटोनियम की मिलके क्या बनाती है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन होता है तो स्प्लीन से अटैच्ड होगा लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। फिर नियर कार्डियक एंड मतलब कार्डियक एंड के पोस्टियर सरफेस पे अपना डायफ्राम होता है, वहाँ पे पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होकर डायफ्राम पे अटैच्ड हो जाती है, वहाँ पे लिगामेंट बनता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो दो लिगामेंट हो जाएंगे, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फिर बेयर एरिया और स्टमक के बारे में बात करते हैं। बेयर एरिया वो रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है पेरिटोनियम एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेयर एरिया की कौन सी, यहीं पे मतलब डायफ्राम के क्या होती है, हमने कहा था कि पोस्टियर सरफेस पे पेरिटोनियम फोल्ड होकर वहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे मतलब पेरिटोनियम एब्सेंट हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाती है कि लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर पे पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होके दोनों मीट करती हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है पेरिटोनियम। ये तो अपनी पेरिटोनियल रिलेशन था। अब हम बात करते हैं अपनी विसरल रिलेशन की। तो विसरल रिलेशन सबसे पहले आएगा एंटीरियर सरफेस। तो इसके एंटीरियर सरफेस पे क्या होता है कि यहाँ पे डायफ्राम हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा लीवर, फिर अपनी देखो कोल मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन कैसे आ जाएगी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग, तो मतलब ट्रांसवर्स कोलोन पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फिर डायफ्राम क्या करता है कि स्टमक को किससे सेपरेट करता है, लेफ्ट प्लूरा से, पेरिकार्डियम से और सिक्स्थ और नाइन्थ रिब से। ये हो जाएंगे एंटीरियर सरफेस के रिलेशन। अब करते हैं पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन।
पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन को क्या कहते हैं, स्टमक बेड, मतलब ये सारे रिलेशन हैं और उसके ऊपर स्टमक लेटा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, स्टमक बेड। और वो स्टमक से सेपरेट किसके द्वारा होती है, लेसर सैक से, क्योंकि नीचे क्या होती है लेसर सैक, ऊपर होता है ग्रेटर सैक, तो लेसर सैक से सेपरेटेड हो जाते हैं। तो अब रिलेशन देखो कौन कौन से प्रेजेंट हो जाएंगे, एक बात देखना, डायफ्राम क्या होता है कि एंटीरियर रिलेशन में भी आएगा और पोस्टीरियर रिलेशन में भी आएगा स्टमक के, तो डायफ्राम आ जाएगा। पीछे कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट तरफ होती है तो लेफ्ट किडनी आएगी, तो लेफ्ट किडनी है तो उसके साथ में लेफ्ट सुप्रा रेनल ग्लैंड। फिर कौन सा जाएगा, स्प्लीन। स्प्लीन की एक बात याद रखना कि स्प्लीन क्या हो जाते हैं कि मतलब वैसे पोस्टीरियर रिलेशन में काउंट नहीं करते, क्योंकि हमने कहा था कि पोस्टीरियर सरफेस में कौन से आएंगे, जो क्या होती है कि लेसर सैक से क्या हो, सेपरेटेड हो स्टमक से, लेकिन ये क्या होता है, स्टमक से ग्रेटर सैक से सेपरेटेड होता है, तो इसको काउंट करते भी हैं और नहीं भी करते। एक आएगी स्प्लेनिक आर्टरी, जो क्या होती है, टोर्सियस होते हैं, मतलब फट ना जाए इस वजह से ये होते हैं, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं। फिर नीचे कौन सा हो जाएगा, पैनक्रियास, और ऊपर कौन सा हो जाएगा, राइट कोलिक फ्लेक्सर हो जाएगा, और उसकी जो ट्रांसवर्स की जो मिजेंट्री होती है ट्रांसवर्स कोलोन की, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स मिजोकोलोन। तो ये क्या होते हैं, छह रिलेशन आएंगे इसके, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लीन, पैनक्रियास, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, और कौन सा हो जाएंगे, ट्रांसवर्स मिजोकोलोन। यहाँ पे भी देख लो, डायफ्राम ये कौन से हो जाएगी, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ये हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है स्टमक, स्टमक में हमने रिलेशन कर चुके हैं उसके, और उसके जनरल फीचर के बारे में करते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।